दुर्ग गौरव पथ में शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क किनारे बनी पुरानी वॉल को छील सिर्फ पलस्तर कर किए जा रहे रंग रोगन पर उठ रही आवाज, निगम मद से किए जा रहे संधारण कार्य पर भ्रष्टाचार को आरोप। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के गौरव पथ पर इन दिनों शहर को सुंदर बनाने कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस मार्ग में सड़क सीमेंटीकरण, बिजली व्यवस्था के साथ सड़क के किनारे बने बाउंड्री वॉल को सजाने कवायदे की जा रही है। इसके लिए दुर्ग नगर निगम अलग से निविदा बुलाकर ठेकेदारों को वॉल को संवारने का काम दे रहा है। ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे स्थित पुराने दीवार के सिर्फ एक साइड की छीलकर उसमें प्लास्टर कर लिपा पोती कर नया स्वरूप दिखा रहा है। जी हां, ये मामला दुर्ग के सतरूपा शीतला मंदिर के सामने और प्रस्तावित हॉकी ग्राउंड से लगी दीवार का है, जहां पर पहुंच आपको ये नजारा साफ नजर आएगा। मामला इस दीवार पर कार्य को लेकर नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों साइड की दीवार काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में है और दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते इन दीवारों पर सिर्फ अच्छा दिखाने लिपा पोती की जा रही है। इसी कड़ी में प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी की गारंटी भी खुद ठेकेदार नहीं ले रहा। इस पर शत्रुपा शीतला मंदिर के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। का ये हृदय स्थल और छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना के अंतर्गत नगर निगम का ये दुर्ग शहर का गौरव पथ है। इस गौरव पथ में करोड़ों का टेंडर जो है इसके सौंदर्यीकरण के लिए किया गया है और सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ के नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नेता लूटम लूट मचाए हुए हैं। लूटम लूट इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो गौरव पथ है वो पूर्व में ये यहाँ पे दीवाले बनी हुई थी। ये देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे पूर्व में दीवाले बनी थी। इस दीवाल को पूर्व में इसको जो कि नया निर्माण होना चाहिए था, इसका तोड़ के और इसी दीवाल के ऊपर में प्लास्टर को छील के, देखिए आप इसको देखिए, ये छील के, छीलने के पश्चात इसके ऊपर जो है प्लास्टर करके, प्लास्टर करने के बाद जो है ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिली भगत करके लाखों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चारों तरफ जो दीवाले मेरे बाएं तरफ और दाएं तरफ गौरव पथ की वो स्थित है, तो इसमें सिर्फ पुरानी दीवालों को छीला गया, छीलने के बाद इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया और प्लास्टर चढ़ा के जो रंगाई पोताई करके इसको नया दिखाया गया। और इस शहर का दुर्भाग्य है कि ये हमारे जो स्थानीय विधायक महापौर जी इसी पद से आना जाना करते हैं और ये भ्रष्टाचार और ये जो करप्शन और ये जो लूट है वो उनकी नज़रों के सामने उनका खुला संरक्षण है। इन्हीं दीवालों में इसके पूर्व में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों के लिए ड्राइंग डिजाइन बनवाया, इस कई रंग रोगन कराया और फिर इसी दीवालों को घिसा पीती करके, लिपा पोती करके ये लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये ठेकेदार की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव ही नहीं है। दुर्ग शहर की जनता जो है ये सब कुछ देख रही है, सब कुछ महसूस कर रही है और बहुत सारे यहाँ के लोगों ने RTI के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी लिया है और ये खुलेआम लूट है, खुलेआम लूट है। जिस तरह से गौरव पथ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आगामी दिनों में बहुत ही बेहतर नजर आएगा, मगर दूसरी तरफ अन्य कार्यों में शहर की जनता आवाज उठाने लगी है। बता दें कि दुर्ग के गांधी प्रतिमा से जेल तिराहा चौक तक साधारण कार्य के लिए दुर्ग नगर निगम ने अलग से लगभग 16 लाख रुपए की राशि से कार्य करा रहा है। इस कार्य की क्वालिटी को दरकिनार कर दुर्ग निगम जनता का पैसा लगा रहा है। वहीं जिस दीवार पर संधारण कार्य किए जा रहे हैं उस दीवार की वास्तविक स्थिति देखते ही बनती है। एक साइड प्लास्टर, दूसरी साइड पुरानी दीवार अपने आप में एक सवालिया निशान छोड़ रही है। इसके साथ ही दोनों साइड की बनी दीवार पर व्हाइट वॉश कर चमकता नजर आ रहा है, मगर वह कब तक टिका रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। मामले में PWD प्रभारी अब्दुल गनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ऐसा है, गौरव पथ अपने चरम सीमा में पहुंचने जा रहा है और शीघ्र गति से वो लोगों के लिए लोकार्पण किया जाएगा। हमने जब गौरव पथ बनाना चालू किया था, हमारी जो योजना थी गौरव पथ की, उस योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण, सेंटर डिवाइडर, डामरीकरण और नाली और उसके बाद जो जगह बच जाएगी उसमें सीमेंटीकरण, ये उस गौरव पथ के अंतर्गत कार्य होने थे। उसके साथ साथ जब हमने देखा इसको बनाना चालू किया तो एक ब्यूटिफिशियन का भी उसमें आया, ताकि हमारा इंक्रोचमेंट जो शहर में होता है और जब इंक्रोचमेंट बाजू में होने लगता है तो उसको हम ब्यूटिफिशियन हमारा समाप्त होता है, गौरव पथ का जो खूबसूरती है उसमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमने उसमें जहाँ जहाँ हमारी पुरानी वाले थी, दीवाले थी,
उसका सब रेमिनेशन प्लस्तर करके या पेंट करके या उसके आगे एक बाउंड्री वॉल 3 फीट का नीचे करके वॉल गार्डनिंग के हिसाब से उस पर कार्य प्रारंभ किया गया। वो कार्य अलग से है, उस कार्य का इससे कोई संबंध नहीं है, उसमें इन्वॉल्व है। तो सवाल ये उठता है कि हमने जो सेंटर से 14 मीटर की रोड ली है तो हमारी 7-7 मीटर की दोनों तरफ रोड है, 7-7 मीटर के बाद नाली के बीच में जब कहीं पे 3 फीट का गैप है, कहीं पे 4 फीट का है, कहीं 5 फीट का है, तो उसको ड्रेन टू ड्रेन हम सीमेंटीकरण करवा करके रोड को चौड़ा और पार्किंग ऐसा इस टाइप से हमारे शहर में जो यातायात व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, उसको दृष्टिकोण रखते हुए उस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जो कि माननीय भूपेश बघेल जी के आने के बाद और हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद में आने के बाद में भूपेश बघेल जी और माननीय PWD हमारे जो मंत्री हैं माननीय तामदास साहू जी, उनके सहयोग से और हमारे जो हमारे विधायक हैं उनके मार्गदर्शन पर ये कार्य हो रहा है, जो शहर की सड़कें बोलने लगी है और दुर्ग शहर दिखने लगा है। इसके दिखने और बोलने से पूर्ववर्ती सरकारें या पूर्ववर्ती नेता या पूर्ववर्ती लोग जिनको तकलीफ हो रही है, शायद वो विकास की कल्पना कभी करे भी नहीं थे, उस विकास की कल्पना को जब वो देख रहे हैं तो एक आरोप प्रत्यारोप लगाना संभावित है और वो एक जनरल सी बात है कि नेता के पास बोलने के लिए कोई शब्द होना चाहिए और विपक्ष और आलोचना ये होती है। हमें अपना काम करना है, हम शहर को दे रहे हैं, एक खूबसूरत शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस खूबसूरत शहर के अंतर्गत हमारे ये गौरव पथ भी है। आने वाले समय में हम गौरव पथ और मेन रोड PWD की जो है उसको जोड़ने के लिए चर्च के सामने से भी एक रोड बनेगी जिसमें हम ये प्रयास करें कि वो भी बहुत अच्छी बने, खूबसूरत बने और उसमें जो अंधेरा रहता है वो भी समाप्त हो, इसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी कार्य योजनाएँ हैं और इन कार्य योजनाओं के तहत हम नगर निगम के माध्यम से ये सब कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय पे जो भी आरोप प्रत्यारोप आलोचना होती है वो स्वाभाविक है, होगी, लोगों की अपनी अपनी सोच है, ना ही पुराने दीवारों में रंग रोगन करके किसी प्रकार का किसी भी प्रकार की टेंडर से हट के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके लिए हम अलग से मतलब जो है जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता है उसको अच्छा बनाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वो एक छोटे रूप में उसका कार्य कर रहे हैं। उसमें शहर के हमारे अन्य लोगों का अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा कोई बात नहीं है और स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने की कवायदें तो की जा रही है मगर वहीं गौरव पथ पर चल रहे विकास कार्य की गाथा कुछ और ही बयां कर रही है। देखना होगा दुर्ग नगर निगम द्वारा की जा रही इस अनदेखी पर किस तरह से कार्य कर शहर को और सुंदर बनाने अपना प्रयास किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।